दोस्तों, इंडियन स्कूटर मार्केट में अगर आपको लेना है एक प्रीमियम स्कूटर, तो एक ही ब्रांड यहाँ पे इंडियन मार्केट में प्रीमियम स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करता है, और ये वेस्पा स्कूटर्स एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल स्कूटर भी आज बन के उभर कर आया है स्कूटर मार्केट में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वेस्पा SXL 125 एलिगेंट एडिशन का एक रिव्यू दूंगा। अब दोस्तों, एलिगेंट का मतलब होता है रॉयल, मेजेस्टिक या फिर कुछ बहुत ही प्रीमियम सा। अब इसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम लुक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट में आपको विंडशील्ड मिलेगा, आपको ड्यूअल टोन स्प्लिट सीट्स मिलेगा, एलिगेंट का यहाँ पे आपको फ्रंट की तरफ आपको एक 3D का बैजिंग मिलेगा, और पूरे स्कूटर्स में काफ़ी सारे जगहों पर आपको प्रीमियम टचेस देखने को मिलेगा एलिगेंट एडिशन में। और दोस्तों, अगर हम BS6 मॉडल की बात करें तो कुछ ही दिनों में BS6 मॉडल अवेलेबल हो जाएगा FI इंजन और कुछ माइनर कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ, और BS6 मॉडल फिलहाल के BS4 मॉडल से लगभग 10,000 to 12,000 ज़्यादा महंगा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और हमारे लेटेस्ट कंटेंट से नोटिफाइड रहिए। दोस्तों, आप इसके सीट्स देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ब्राउन कलर के लेदर की यहाँ पे सीट्स दिए हुए हैं, और इसके ऊपर जो स्टिचिंग है ये भी बहुत ही प्रीमियम सा दिखता है। पीछे आपको मिलेगा एक फुल्ली क्रोम का ग्रैब हैंडल, जो कि बहुत ही अच्छी तरह का एक क्वालिटी में आता है, और फ्रंट में आपको मिलेगा विंडशील्ड जिसके ऊपर आपको वेस्पा लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जगहों पर आपको प्रीमियम टचेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसमें आपको फ्रंट के ऊपर जो व्हील है, व्हील के साइड पर क्रोम के रिम्स देखने को मिलेंगे, जो कि फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील में मिलेगा। ये आपको आमतौर पर वेस्पा के दूसरे स्कूटर्स पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह का प्रीमियम फील इसमें आता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो पैनल्स है, ये पैनल्स भी आपको दूसरे वेस्पा स्कूटर्स पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, फ्रंट से अगर देखते हैं तो फुल्ली मेटल बॉडी का ये बना हुआ है, और फ्रंट के मडगार्ड के ऊपर भी आपको एक क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएगा। और अगर हेडलैम्प की बात करें दोस्तों, तो हेडलैम्प यहाँ पे राउंड शेप्ड ओल्ड स्कूल टाइप क्लासिक लुकिंग हेडलैम्प दिया गया है, जो कि फुल्ली हैलोजन टाइप है, और ये DC कनेक्शन पर काम करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, और जो इल्यूमिनेशन है, रोशनी है, वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उभर कर आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके जो इल्यूमिनेशन, ये मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, और फ्रंट में आपको PIGO का एक ब्रांडिंग भी मिलेगा, जो इसका मदर कंपनी है। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिकेटर्स भी बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है, और फ्रंट में आपको वेस्पा का 3D एम्ब्लेम भी फ्रंट एप्रन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल कोटेड ब्रेक लीवर्स, और प्रीमियमनेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रीमियमनेस आपको सारी जगहों पर अच्छी तरह से दिया गया है। दोस्तों, अगर हम साइड से देखें तो साइड से कुछ इस तरीके का यह दिखता है, और फुल्ली क्रोम फिनिश्ड आपको राउंड शेप्ड रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप हैंडल बार देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल कोटेड आपको ब्रेक लीवर्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे स्विच गियर दिया गया है। और मीटर कंसोल की अगर बात करें दोस्तों, तो मीटर कंसोल यहाँ पे डिजिटल एनालॉग का कॉम्बाइंड मीटर कंसोल है। मीटर कंसोल में आपको स्पीड, ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, लो फ्यूल इंडिकेटर, एक क्लॉक, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मीटर कंसोल यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा है, और इसमें ABS इंडिकेटर आपको मिलेगा, लेकिन ये ABS यहाँ पे नहीं है, CBS पे बना हुआ है, तो ABS इंडिकेटर मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती से दिया गया है। ब्लू बैकलिट डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि नाइट टाइम पर अंधेरे में बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे दिख जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका 150cc मॉडल को लेते हैं तो उसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन फिलहाल इसमें आपको यही ट्रिप, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, साइड इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम और स्पीड का इंडिकेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये इसके मिरर्स हैं, बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे मिरर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड और क्लासी लुकिंग यहाँ पे मिरर्स आता है। दोस्तों, फ्रंट एप्रन को अगर देखें तो फ्रंट में आपको एलिगेंट का एक 3D बैजिंग मिल जाएगा, ऊपर चोक लीवर और की स्लॉट दिया गया है, और नीचे अगर हम लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस इज जस्ट अबाउट एडिक्वेट, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आपको हुक्स नहीं है, हुक्स नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हुक्स होना चाहिए था। रियर पैसेंजर पिलियन का जो फुट पेग्स है वो इसी फ्रंट के जो पोर्शन है उसी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। सीट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे सीट्स दिया गया है।
दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स की बात करें तो पीछे आपको मिलेगा फुल्ली क्रोम फिनिश्ड ग्रैब हैंडल और टेल लैम्प जो है ये भी फुल्ली क्रोम फिनिश्ड है और ये बल्ब टाइप है और दोनों ही साइड आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे क्लियरेंस टाइप। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिलता है मोनोकॉक स्टील शैसी जो कि बहुत ही स्टेबल होता है हाई स्पीड में। आपको इसमें मिलता है मैप सेंसिंग टेक्नोलॉजी और एलुमिनियम सिलेंडर हेड ओवरहेड कैम और रोलर रॉकर आर्म जैसे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे हम अंडर सीट स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15 से 16 लीटर्स का यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज आता है और 7 लीटर्स का एक फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है। वैसे तो अंडर सीट स्टोरेज डिसेंट है, आप अपने एक छोटा सा हेलमेट और कुछ छोटे मोटे सामान भी इसमें रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3-phase इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोनोकॉक शैसी और मैप सेंसिंग जो टेक्नोलॉजीज है वो किसी और स्कूटर्स में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको वेस्पा के स्कूटर्स में ही मिलेगा जिसके लिए स्कूटर का जो प्रीमियम कोशेंट है ये बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों इसमें आपको एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 3-valve वाला 125cc का इंजन मिलेगा जिसका पावर है 9.52 bhp और टॉर्क है 10 Nm। इसमें सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही दिया गया है और इंजन का परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही स्मूथ है। सिटी और हाईवे दोनों ही जगहों पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो किक लीवर है और इंजन के ऊपर भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा और माइलेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो अराउंड 35 km/h का आपको इससे माइलेज मिल जाएगा। टॉप स्पीड की अगर बात करें दोस्तों तो अराउंड 100 का यहाँ पे आपको टॉप स्पीड मिलने वाला है। साइड में आप देख सकते हो दोस्तों रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एयरक्राफ्ट डिराइव्ड सिंगल साइड एंटी डाइव फीचर वाला सस्पेंशन मिलेगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और इसमें आपको वेस्पा लिखा वाला एक क्रोम की पट्टी भी मिल जाता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 100x70 साइज का 11 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और जो डिस्क ब्रेक आप यहां पे देख रहे हैं ये 200mm का डिस्क ब्रेक है। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो अलॉय पैटर्न है ये बहुत ही स्टाइलिश है और दोस्तों यहां पे आपको CBSE यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा और टायर्स जो है ये सिटी के हिसाब से और अच्छे रोड्स के हिसाब से टायर के ट्रेड पैटर्न्स दिए गए हैं ना कि ऑफ रोडिंग के लिए। दोस्तों पीछे की तरफ आपको 10 इंच के 120x70 साइज का ट्यूबलेस टाइप टायर मिलता है और पीछे आपको 140mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि टायर्स अगर ज़्यादा बड़ा दे दिया होता तो और भी अच्छा होता। पीछे आपको मोनोशॉक मिलेगा जिसमें ड्यूअल इफेक्ट नाम का एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें जैसे सीट हाइट हो गए इसके 770mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 155mm जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फुल्ली मेटल बॉडी है तो नेट वेट जो इसका है ये 114kg का है और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस ज़रूरत नहीं होता है और हर बड़े शहर में आपको वेस्पा के जो पार्ट्स है और सर्विस सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक प्रीमियम स्कूटर है तो प्राइस भी दूसरे स्कूटर से कुछ हद तक ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 1,08,000 rupees का एक शोरूम पड़ जाएगा कोलकाता में और दोस्तों अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो ज़रूर स्पीड वेस्पा को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेस्पा और एप्रिलिया स्कूटर्स के लिए जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में दे रखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, हम मिलेंगे फिर कभी। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।